अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको डॉलेंस वर्सेस ओरिएंट दोनों कंपनीज का रिव्यू करवाएंगे। दोनों के सेम साइज़ हैं। इन दोनों की आपको खूबियाँ भी बताएंगे, खामियाँ भी बताएंगे, इन दोनों की क्वालिटी में फ़र्क भी बताएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जो दोस्त इस वीडियो पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल सके। सबसे पहले आपको ओरिएंट दिखाते हैं, मुकम्मल फ्रिज का रिव्यू करवाते हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। ये नया मॉडल आया है ओरिएंट का, मार्वल सीरीज़ के अंदर है ये। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कंपनी ने ये डिज़ाइन बनाया है। और ये ओरिएंट का है अवान्ते प्लस सीरीज़। डॉलर्स में दो कलर आते हैं इस मॉडल में, ब्राउन कलर और ग्रीन कलर। और ओरिएंट में तीन कलर आते हैं, ग्रे भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा आपको और गोल्डन भी मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे कि डॉलर्स कितनी बिजली यूज़ करती है और ओरिएंट कितनी बिजली यूज़ करती है और कितने वोल्टेज पे ये दोनों चल सकती हैं। सबसे पहले ओरिएंट का बताते हैं। ओरिएंट की 90 वाट पे वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। बिजली के खर्चे की बात करें तो कंपनी का कहना है बिजली का खर्चा रोज़ाना 20 रुपये से भी कम का है। एनर्जी एफिशिएंट मॉडल है ये, 90 वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाता है ये बगैर स्टेबलाइजर। इसमें ये सारे कलर अवेलेबल हैं, मार्वल सीरीज़ है, एनर्जी एफिशिएंट। डॉलर्स की बात करें तो डॉलर्स ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में 55% एनर्जी सेविंग है ये। और ये बगैर स्टेबलाइजर 130 वोल्टेज पे चलती है, 130 वोल्टेज से नीचे नहीं चलती और ये 90 वोल्ट तक चल सकती है। अब हम आपको अंदर से इनका रिव्यू करवाते हैं, डोर रैंक्स के बारे में, शेल्फ्स के बारे में बताते हैं। ये ओरिएंट का न्यू मॉडल है, मार्वल सीरीज़ में आता है ये। फ्रीज़र की बात करें तो इसमें ओपन एवेपोरेटर ओरिएंट वाले यूज़ करते हैं, जिसकी कूलिंग काफ़ी तेज़ होती है। कूलिंग तो इसकी काफ़ी तेज़ होती है लेकिन थोड़ा सा ख़तरा भी होता है, कोई नोकदार चीज़ लग जाए तो ये लीक हो जाता है जल्दी। फ्रीज़र की बात करें तो इसका फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर मेटल शेल्फ भी देते हैं कंपनी, ग्लास शेल्फ नहीं देते। ये कूल बैंक लगा हुआ है, जो लाइट चली जाए तो थोड़ी देर कूलिंग स्टोर रखता है ये। आइस पैक्स पैक, ये इसका फ्रीज़र है। अब आपको डॉलर्स का फ्रीज़र दिखाते हैं सेम साइज़ में। ये देखिए, बाहर से तो साइज़ काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन इसका फ्रीज़र थोड़ा सा छोटा है। ये देखिए, ओरिएंट का फ्रीज़र बड़ा है लेकिन डॉलर्स की डेप्थ ज़्यादा है और उसकी ओरिएंट की डेप्थ थोड़ी सी कम है। इसके अंदर जो वेपोरेटर है वो अंडरग्राउंड है, इसका जो फ्रीज़र है वो मुकम्मल बंद है। इसकी कूलिंग थोड़ी सी कम होती ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी लेट होती है। जितनी कूलिंग ये 1 घंटे में करेगा उतनी कूलिंग ओरिएंट सिर्फ 20 मिनट में करेगा, क्योंकि इसका वेपोरेटर ओपन है। और इसकी फ्रीज़र की बात करें तो इसके अंदर शेल्फ्स कंपनी ग्लास वाली देती है, ग्लास डोर के अंदर ग्लास शेल्फ्स आती हैं। डेप्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी कूलिंग 5 वे है, ओरिएंट की कूलिंग 3 वे है, लेकिन इसकी कूलिंग ओरिएंट की तेज़ है, डॉलर्स की कूलिंग इतनी तेज़ नहीं है। अब डोर रैंक्स की बात करें, डोर रैंक्स इसके अंदर प्योर प्लास्टिक में आते हैं जो टूटते नहीं हैं। आप इनको नीचे भी गिरा दें तो ये टूटते नहीं हैं। ये चीज़ चेक करें, ये देखें, ये चीज़ टूटती नहीं है। और फोमिंग की बात करें, डोर के अंदर फुल फोमिंग है। गैस किट की बात करें, ईजीली आप उतार के इसको जब मर्जी धो सकते हैं। गैस किट की इसकी देखें, ये 3 लेयर्स के अंदर गैस किट आती है ये। अब आपको डॉलर्स की दिखाते हैं। डॉलर्स के अंदर शीशे की आती हैं शेल्फ, इसके आपको एहतियात से थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैस किट इसकी उतार के धो सकते हैं जब मर्ज़ी आप, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी गैस किट ओरिएंट से थोड़ी सी हल्की आती है। और लॉक की बात करें तो ग्लास डोर के अंदर डॉलर्स वाले लॉक नहीं देते, ओरिएंट वाले ग्लास डोर के अंदर लॉक भी देते हैं आपको। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। ये देखें ओरिएंट का, ये देखें नीचे वाला पोर्शन है, वेजिटेबल बॉक्स देखें, काफ़ी बड़ा है इसका। वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर इन्होंने बोतल रैंक्स भी बनाया हुआ है, ये देखें। और इसके अंदर 3 शेल्फ्स आती हैं और तीनों शेल्फ्स के दरमियान में देखें काफ़ी खुली खुली जगह है। और ये डोर रैंक्स हैं नीचे वाले पोर्शन के, एक्ट्रे मेडिसिन बॉक्स बोतल रैंक 2 हैं इसके अंदर। सेम साइज़ में अब आपको डॉलर्स दिखाते हैं। देखें इसके नीचे भी 3 रैंक हैं, पहले वाले 2 जो हैं रैंक, पहले वाली 2 जो 2 शेल्फ्स हैं, सॉरी, तो पहले वाली 2 शेल्फ्स हैं उनके अंदर सेम जगह है,
काफ़ी खुली हैं, जो नीचे वाली तीसरी शेल्फ आती है इसके अंदर जगह काफ़ी कम है। तो इसका बॉक्स भी बड़ा है, फ्रूट बॉक्स काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर वो बोतल रैंक वाला सीन नहीं है। डोर रैंक्स की बात करें तो दोनों के अंदर सेम डोर रैंक्स हैं। ये चेक करें, इसमें प्लास्टिक, इसमें आते हैं शीशा प्लास्टिक के, उसमें आते हैं प्योर प्लास्टिक के। ये इसकी एग ट्रे हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। और ये ओरिएंट की एग ट्रे ये है, ये चेक करें। और इसके अलावा ये इसका आइस क्यूब्स के लिए, ओरिएंट में ये आता है, ये चेक करें आप। और डोलस में आइस क्यूब्स के लिए ये आता है। और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं इसकी, इसके साथ जो एक्स्ट्रा बर्फ होती है जम जाए वो, ये बहुत ही नाकिस मटेरियल के साथ इन्होंने बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है, ये चेक करें। अब आपको ओरिएंट का दिखाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा आता है, ये देखें प्योर 100% प्लास्टिक में, 100% प्योर प्लास्टिक में। और इसके साथ आप बॉटल वगैरह भी खोल सकते हैं इजीली। ये हो गया हमारा अंदर से रिव्यू, ये आपको बाहर से भी दोनों का दोबारा रिव्यू करवा देते हैं। ये चेक करें, दोनों एनर्जी एफिशिएंट मॉडल हैं, बिजली का ख़र्चा इनका दोनों का काफ़ी कम है। अब हम आपको इसकी बैक दिखाएंगे और बिजली का ख़र्चे के बारे में बताएंगे और कंप्रेसर बताएंगे और गैस बताएंगे, इन दोनों कंपनी ने कौन कौन सी इस्तेमाल की। ये देखें व्यूवर्स, अब हम आपको बैक से इन दोनों फ्रिजों का रिव्यू करवाते हैं। ये चेक करें, बैक वाली जाली की बात करें तो ओरिएंट वालों ने काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, बड़े साइज़ के अंदर है। पैप की जो मोटाई है, पैप की जो साइज़ होता है वो भी बड़ा है। डॉलन से ये देखें, ये डॉलन्स का है। और ये इन्होंने थोड़ी सी छोटी जाली लगाई हुई है जिसकी वजह से कूलिंग पे फ़र्क पड़ता है। ये चेक करें, कंप्रेसर की बात करें तो ओरिएंट वाले सी कॉप कंप्रेसर यूज़ करते हैं, डेनफास्ट वालों का 100% कॉपर में, इनका जो है कलेंसर जो है वो कॉपर में है 100%। ठीक हो गया दोस्तों, कंप्रेसर सी कॉप का यूज़ करते हैं जिसका बिजली का ख़र्चा काफ़ी कम है। अब डॉलन्स का हम आपको दिखाते हैं, देखें इसके अंदर R600 गैस है। ये चाइनीज़ कंप्रेसर यूज़ करते हैं, ये भी कंप्रेसर अच्छा है, लेकिन ये इसके अंदर सिल्वर यूज़ कर रहे हैं डॉलन्स वाले, जिसकी वजह से इसकी कंप्लेन आती है, गैस लीकेज कर जाता है, फ्रीज़र लीक हो जाता है। ये देखें इसके फ्रीज़र वाला जो पाइप है वो सिल्वर में है। ओरिएंट 100% प्योर कॉपर में है, इसमें R600 गैस है, जो ओरिएंट है ओरिएंट में गैस है R134, ये 100% कॉपर में है, आप जहाँ से मर्ज़ी चेक कर सकते हैं देखें। और इसमें R134 गैस है, ये देखें। एम्पेयर की बात करें तो ये इसके एम्पेयर हैं 0.8 एम्पेयर, 125 वोल्ट हैं। ये डॉलर्स के हैं 0.4 एम्पेयर, ये इसके वोल्टेज है। ये चेक करें, दोनों के पीछे आपको ये चादर देखने वाली मिल जाती है, जिस चादर है ये देखें। वारंटी की बात करें तो इस डॉलर्स की 12 साल कंप्रेसर वारंटी है, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी है। ओरिएंट की 10 साल कंप्रेसर वारंटी है, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी है। कीमत भी तकरीबन सेम है, ओरिएंट के रेट थोड़े से कम है डॉलर्स से। ओरिएंट की क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे पसंद आई है। देर पास चलने वाला फ्रिज है, डॉलर्स के अंदर सिल्वर यूज़ हुआ है, बाकी ठीक है फ्रिज, लेकिन सिल्वर की वजह से ये फ्रिज इसकी लाइफ कम है, इसका थोड़ा सा मसला आता है, कंप्लेन आती है। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने आज की वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, और शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया।